श्रोताओं नमस्कार, मैं सूर्यांश नेमा उपस्थित हूँ नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट जिंदगी की परिभाषा समझने के लिए प्रेरित करता है। आज के पॉडकास्ट में लेखक विचारक गिरीश बिल्लौरे ने जीवन को समझने की प्रेरणा दी है। आइए समझते हैं कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। अपने पीछे जब समंदर छोड़ के मैं जाऊंगा, अपने पीछे जब समंदर छोड़ के मैं जाऊंगा, इन्हीं लहरों की तरह यादों में बस जाऊंगा, इन्हीं लहरों की तरह यादों में बस जाऊंगा। अपने पीछे जब समंदर छोड़ के मैं जाऊंगा, इन्हीं लहरों की तरह यादों में बस जाऊंगा। जिंदगी के बारे में सबका अपना अपना नजरिया है। कोई जिंदगी को वरदान कहता है तो किसी के लिए जिंदगी अभिशाप हो जाती है। परंतु यह क्या लोग जिंदगी के महत्व के बारे में सोचते कब हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूं। जिंदगी को डिस्क्राइब करना है तो पहले उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, वरना आपका ख्याल केवल आपका इमेजिनेशन होगा। जी हाँ, सच कह रहा हूं, जिंदगी को चाहे कितना भी भला बुरा कहें, लेकिन उसे छोड़ना कोई नहीं चाहता। मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कोई भी नहीं। जिंदगी के बारे में कभी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, वो इस तरह है। कभी स्याह रात कभी आफताब जिंदगी, कभी स्याह रात कभी आफताब जिंदगी, एक अरसे से मुसलसल बारात जिंदगी, एक अरसे से मुसलसल बारात जिंदगी। बाद मुद्दत के कोई दोस्त मिले, बाद मुद्दत के कोई दोस्त मिले, तब के उफने रुके जज्बात जिंदगी, तब के उफने रुके जज्बात जिंदगी। तेरे बज्म में तू बेखबर मैं बेखबर, तेरे बज्म में तू बेखबर मैं बेखबर, एक ऐसी ही सुहाग रात जिंदगी, एक ऐसी ही सुहाग रात जिंदगी। एक नजरिया यह भी है कि जिंदगी को हम सब जीते हैं परंतु उसे देख नहीं पाते। जो अपनी जिंदगी को देख पाते हैं बेशक भी खुद को समझने की पहल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हैं कि सही तरीके से अपने चेहरे की तरह दर्पण में निहारते नहीं अपनी जिंदगी को। यही हमारी कमजोरी है। सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी भी चीज को समझना है तो हम उसे देखते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उसे समझ लेते हैं। अब मैं कहूं कि मुझे अपनी जिंदगी को समझना है, कोई बता दे कि मैं उसे कैसे समझूं, तो जान लो कि कोई तुम्हारी जिंदगी को ना तो समझ सकता है और ना ही उसे डिस्क्राइब करके तुम्हें समझा सकता है। बुल्ले शाह एलानिया गाते फिरते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह सवाल नहीं कर रहे हैं बल्कि वे बता रहे हैं कि गीता में क्या लिखा है। गीता में भी योगेश्वर कृष्ण ने यही तो कहा है, जीवन के रहस्य को समझना है तो हमको खुद को समझना होगा। कुछ लोग विकल्पहीन जिंदगी जीने के आदि हो जाते हैं और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सोचता तो जिंदगी से ही पलायन कर देते हैं। दुनिया में विकल्पों की कमी नहीं है, हमें पहचानना चाहिए। कुछ लोग जय पराजय, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, खट्टा मीठा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा जैसे शब्दों के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी को बिताने की कोशिश करते हैं। मुझे तो हंसी तब आती है, लोग भेद की दृष्टि लेकर जिंदगी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जीवन को समझना है, जीवन को जानना है तो किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं, बस आत्मचिंतन, आत्मशोध यानी आत्मदर्शन से ही जिंदगी का अर्थ निकाला जा सकता है। धन्यवाद।